देश की न्याय व्यवस्था में इंसाफ मिलने में देरी को लेकर के सवाल उठते जा रहे हैं, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने हमारी न्यायिक प्रणाली में दूसरी खामी की ओर भी ध्यान खींचने की कोशिश की। उनके मुताबिक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के दौर की है और इसका भारतीयकरण करना बहुत जरूरी है। तारीख पर तारीख और हर दो तारीखों के बीच होने वाली वकीलों की जिरह और दलीलों में फंसा आम इंसान इंसाफ पाने की आस में कॉमन मैन कोर्ट के चक्कर लगाता रह जाता है, लेकिन इंसाफ तो दूर, उसे कोर्ट कचहरी में होने वाले काम और कानूनी प्रक्रिया तक को समझ पाने में दिक्कत होती है। आम लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमना ने हमारी न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने पर जोर दिया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश में अब भी गुलामी के दौर की न्याय व्यवस्था कायम है और ये हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। वेरी ऑफन अवर जस्टिस डिलीवरी पोजेस मल्टीपल बैरियर्स फॉर द कॉमन पीपल। द वर्किंग एंड द स्टाइल ऑफ कोर्ट्स डू नॉट सिट वेल विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडिया। अवर सिस्टम्स प्रैक्टिस रूल्स बीइंग कॉलोनियल इन ऑरिजिन मे नॉट बी बेस्ट सूटेड टू द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। The need of the hour is the Indianization of our legal system. The need to adapt to the practical realities of our society and localize our justice delivery system. CJI रमना ने अपनी चर्चा में गांव के एक परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग अंग्रेजी में होने वाली कानूनी कार्रवाई को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। Parties from a rural place fighting a family dispute are usually made to feel out of place in the court. They do not understand the arguments or pleadings which are mostly in English, a language alien to them. These days, judgments have become lengthy, which further complicates the position of the litigants. For the parties to understand the implication of a judgment, they are forced to spend more money. जस्टिस रमना ने कोर्ट की कार्यवाही को पारदर्शी और जवाबदेही भरा बनाने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए जज और वकील मिलकर ऐसा माहौल तैयार करें जो आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो। ABP News आपको रखे आगे।